किस तरीके से मेले की यहाँ पर तैयारी हो रही है मैं आपको यहाँ पर दिखाऊं। काफी सारी तैयारी हो चुकी है। यहाँ पर टनल का काम चल रहा है और यहाँ पे पुल भी बन रहा है टनल के साथ। सो हे व्हाट्सअप गाइस, कैसे आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। मैं मंदीप बुटोला आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ एक और नई वीडियो में। सो दोस्तों, आज मैं जा रहा हूँ मार्केट क्योंकि स्कूल का जो प्रोजेक्ट का काम था वो करना है, उसके लिए जो सामान लगेगा वो लाना है। ठीक है, तो वहीं से हम जाएंगे गुलाबराई क्योंकि वहाँ पर मेले की तैयारी हो रही है। वैसे ठीक है, बाकी आज के मौसम की मैं बात करूँ तो ये देख सकते हो बिल्कुल धूप भी नहीं है, जो ठंडा है बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। फिलहाल दोस्तों अभी मैं बैठ चुका हूँ गाड़ी में और अभी यहाँ से मार्केट की तरफ जा रहा हूँ। फाइनली दोस्तों अभी मैं बाजार में पहुँच चुका हूँ और अभी मार्केट की तरफ चलते हैं। फाइनली दोस्तों अभी मैं मार्केट में पहुँच चुका हूँ। मार्केट आप देख सकते हो और ये मेन मार्केट है। फिलहाल अभी हम ले रहे हैं यहाँ पर से मैप क्योंकि मेरे का जो काम था प्रोजेक्ट था मैप का, अभी मैप लेते हैं। दोस्तों जो सामान लेना था मैंने ले लिया है और अभी हम जा रहे हैं। जैसे कि मैंने आपको वीडियो को शुरू में बता दिया था कि अभी हम जाएंगे वहाँ मेला देखने के, मेले क्या तैयारी है, तो चलिए अभी वहीं चलते हैं। तो दोस्तों आज मौसम बहुत ख़राब हो रखा है क्योंकि अभी आप देखेंगे तो बिल्कुल धूप नहीं आई है मार्केट में भी, और जो ठंडा है बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो दोस्तों फाइनली मैं पहुंच चुका हूं गुलाबराय ग्राउंड में और मैं आपको यहां पर दिखाऊं तो काफ़ी सारी तैयारी हो चुकी है। और मैं आपको बताऊं तो दोस्तों 8 तारीख मैं यहां पर आया था और 8 तारीख को कुछ भी तैयारी यहां पर नहीं थी। एक स्टेज था लगा हुआ जो कि यहां पे है और ये भी काफ़ी बढ़िया लग चुका है। बाकी ये स्टॉल लग रहे थे और जो मौत का कुआं ये लग चुका था। और अभी मैं आपको इस साइड दिखाऊँ तो काफ़ी सारे जो है स्टॉल लग रहे हैं और इस तरफ भी आप देख सकते हो स्टेज बनाया जा रहा है, इस तरफ भी स्टॉल है। काफ़ी सारी तैयारी होने लग चुकी है मेले की क्योंकि कल से मेला शुरू हो रहा है और 12 से ये शुरू होगा और 16 तक। तो दोस्तों हम नेक्स्ट व्लॉग में यहाँ पर आएंगे, आपको दिखाएंगे किस तरीके से मेला लगेगा क्योंकि अभी तो तैयारी हो रही है, कल से मेला लगेगा तो परसों हम आएंगे यहाँ पर देखने के लिए। और यहाँ पे शायद आर्मी वालों का भी कुछ यहाँ पर आ रहा है कैंप वूम, तो ये देख सकते हो यहाँ पर आर्मी वाले आ रखे हैं। और इस साइड आप देख रहे होंगे काफ़ी सारे स्टॉल लग रहे हैं। और सामने की तरफ मैं आपको दिखाऊं तो सामने की तरफ आप खुद ही देख सकते हो मौत का कुआं है जो कि 8 तारीख को भी लग गया था, तो ये बहुत जल्दी इन्होंने लगा दिया था। और इस साइड अभी लग रहे हैं स्टॉल, इधर पे आप देख सकते हो इधर पे खाली है अभी। और काफ़ी सारा जो है सामान आ चुका है, ये देख सकते हो यहाँ पर ट्रक गाड़ियाँ हैं खड़ी, काफ़ी सारा सामान आ चुका है और लाइट वीट भी लग चुकी है। ये देखिए यहाँ से तो पूरा चमकना चाहिए ना कि मेला लगा हुआ है, तो पूरी जो है व्यवस्था यहाँ पर हो चुकी है। और मैं आपको दिखाऊं तो ये देखिए चरखी जो भी है यहाँ पे लग चुकी है। हमें एक टाइम बैठा था चरखी में तो बहुत ज़्यादा डर लगा था, तो अब कभी नहीं बैठूंगा मैं क्योंकि बहुत ज़्यादा डर लगता है। आप बैठते हो या नहीं बैठते हो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। सिंपली दोस्तों आपने देख ही लिया होगा किस तरीके से मेले की यहाँ पर तैयारी हो रही है। फाइनली अभी मैं जा रहा हूँ घर की ओर क्योंकि ज़्यादा यहाँ पे रुकेंगे नहीं क्योंकि अभी बाजार में काम है, अभी दुकान खुली नहीं थी तो मैंने सोचा क्यों ना यहीं पे आके आपको दिखाया जाए। तो अभी कुछ इस तरीके से तैयारी चल रही है, आप खुद ही देख सकते हो। तो अभी जाते हैं मार्केट में और देखते हैं दुकान खुली हो जाएगी तो वहाँ से जो सामान लेना था वो लेते हैं, उसके बाद घर की ओर सीधा चलेंगे। ज़्यादा रुकने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर क्योंकि ठंडा हो रहा है और बारिश का मौसम भी है तो बारिश भी आ सकती है, आप यहाँ पर देख सकते हो। ठीक है, तो इस साइड भी देखिए भाई यहाँ पर कुछ स्टॉल लग रहे हैं, ये सब्जी वाली दुकान ये देख सकते हो। तो चलिए अभी घर की ओर चलते हैं। तो दोस्तों अभी मैं आ चुका हूँ गेट के बाहर और गेट के बाहर से मैं यहाँ का नज़ारा आपको दिखाऊँ तो काफ़ी बढ़िया लग रहा है, आप खुद देख सकते हो यहाँ पर ये देखिए। तो दोस्तों ये गुलाबराय फील्ड है और काफ़ी ज़्यादा बढ़िया फील्ड यहाँ पर है ये। तो चलिए अभी चलते हैं मार्केट की ओर क्योंकि वहाँ पर जो है सामान लेना है। और मैं रोड पर अभी वीडियो नहीं बनाऊँगा क्योंकि यहाँ पर गाड़ियाँ बहुत तेज़ चलती हैं तो भाई कभी भी कुछ भी हो सकता है, इसलिए
आपको सीधा मार्केट में मिलेंगे। तो दोस्तों मैं मार्केट में पहुंच चुका हूं और जो सामान हमको लेना है वो लेते हैं अभी। तो दोस्तों हमने दुकान में गए थे बट हमको जो सामान लेना था वो मिला तो है ही, तो अभी चलते हैं घर की ओर सीधा। तो दोस्तों अभी मैं बेलनी में पहुंच चुका हूं, यहां से मैं सर्टिफिकेट लूँगा क्योंकि यहां कंप्यूटर का कोर्स किया था। तो दोस्तों अभी सर्टिफिकेट ले लिया है और मैंने अंदर की वीडियो नहीं निकाली बिकॉज वहाँ पर चल रही थी क्लास, तो डिस्टर्बेंस होता है इसलिए। बाकी मैं आपको अपना सर्टिफिकेट दिखाऊँ तो देख सकते हो भाई कुछ ऐसा है, और मेरे भाई का यहाँ पर ये देखिए। तो अब यहाँ से सीधा चलेंगे घर की ओर। तो दोस्तों अभी मैं जा रहा हूँ घर की ओर और मैं आपको बताऊँ तो यहाँ पर टनल का काम चल रहा है और यहाँ पर पुल भी बन रहा है टनल के साथ। और मैं आपको बताऊँ जो आपको ये रोड दिखाई दे रही है यहाँ पर, तो ये रोड यहाँ पर पुल बनेगा, ये रोड इससे लिंक हो जाएगी और तब ये NH में आ जाएगा यानी कि नेशनल हाईवे। और यहाँ से टनल होगी और ये सीधा तिलवाड़ा बाईपास निकलेगी, मतलब हम बद्रीनाथ वाली जो रोड है यहाँ से आएंगे पुल से सीधा, यहाँ से टनल से जाके सीधा निकलेंगे तिलवाड़ा बाईपास। तो ज़्यादा घूमने का चक्कर नहीं है यहाँ पे, तो इसलिए यहाँ पर टनल बनाई जा रही है और काफ़ी बढ़िया भी लग रहा है। तो अभी यहाँ पे काम चल रहा है वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये देखिए भाई यहाँ पर कुछ इस तरीके से काम चल रहा है पुल का, यहाँ नीचे की तरफ यहाँ पर। और दोस्तों आपको सामने की तरफ मैं आपको दिखाने की कोशिश करूं, तो सामने की तरफ आप खुद ही देख सकते हो कुछ इस तरीके से यहाँ पे टनल का काम चल रहा है और काफ़ी मतलब खतरा भी है यहाँ पर, और वार्निंग भी दे रखी है सामने वो बोल रहा है ठीक है। यहाँ पे खतरा भी है क्योंकि पत्थर गिर सकते हैं ऊपर से, तो काफ़ी ज़्यादा खतरा भी है। और वहाँ पर जैसे भी काम कर रहा है अभी ये देख सकते हो, वहाँ ऊपर बन रही है दोस्तों टनल और यहाँ नीचे पर बन रहा है पुल। तो दोस्तों मैं आपको यहाँ से दिखाऊं सामने की तरफ, तो यहाँ से दिखाई दे रहा है बद्रीनाथ हाईवे और ये देख सकते हो कितनी सारी गाड़ी आजकल यहाँ पर चल रही हैं। तो दोस्तों आप देख रहे होंगे नीचे नदी, तो नदी गंदी कर रहे हैं ये मलबा डाल के, ये बात मुझे बहुत ज़्यादा बुरी लग रही है। और मैं आपको बताऊँ तो मैं 8 तारीख को भी गया था मेला देखने कि किस तरीके से तैयारी वहाँ पर हो रही है, बट कुछ था नहीं वहाँ पर, आप देख लीजिए कैसे वहाँ पर तैयारी थी। तो दोस्तों अभी फाइनली हम पहुंच चुके हैं और अभी मैं जा रहा हूं गुलाबराई फील्ड में जहां पर मेले की तैयारी हो रही है, तो आपको दिखाते हैं वहां पर क्या क्या हो रहा है। दोस्तों मैं यहां पर आपको दिखाऊं मेले की कैसे तैयारी हो रही है। तो ये देख सकते हो आप सामने की तरफ ट्रक आ रखा है और यहां पर देख सकते हो कितना भर के सामान आ चुका है मेले के लिए। सामने की तरफ मैं आपको दिखाऊँ तो वहाँ पर स्टेज बन रहा है और यहाँ पर मौत का कुआं जिसमें कि बाइक चलती है ये लग चुका है। दोस्तों मैं आपको यहाँ पर दिखाऊँ तो काफ़ी बड़ा फील्ड ये है। और दोस्तों इस साइड पर आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे होंगे ये जो डंडे खड़े कर रहे हैं, ये यहाँ पे स्टॉल लगाए जा रहे हैं, काफ़ी सारे स्टॉल यहाँ पे लगेंगे इस साइड से ये देख सकते हो। तो देखिए दोस्तों किस प्रकार से गाड़ी की सर्विस होती है। 8 तारीख हम यहाँ पे गाड़ी सर्विस कराने आए थे और मैंने सोचा क्यों ना गुलाब राय मेले की जो तैयारी हो रही है उसका व्लॉग बनाते हैं, बट कुछ तैयारी थी नहीं तो मैंने सोचा चलो आपको ये दिखा लेते हैं किस तरीके से गाड़ी की सर्विस होती है। तो आप देख लीजिए किस प्रकार से यहाँ पर गाड़ी सर्विस होती है। तो दोस्तों यहाँ पे हो रही है पेमेंट और पेमेंट है भाई 6000 की ठीक है, 6000 की गाड़ी सर्विस हुई है और 4000 के जो स्पेयर पार्ट होंगे वो मंगा रखे हैं। तो दोस्तों मैं भी पहुँच चुका हूँ पांच डाली पे और यहाँ पे पांच डाली इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पे 5 पेड़ हैं। आपको मैं दिखाऊँ तो ये देख सकते हो ये 1 पेड़, यहाँ पे 2 पेड़, 3 पेड़, 4 पेड़ और उसके बगल में लास्ट में देख सकते हो 5 पेड़, तो इसलिए यहाँ पर पांच डाली कहा जाता है। और यहाँ से पीछे का जो सीनरी है काफ़ी बढ़िया आती है, पीछे का जो व्यू है काफ़ी बढ़िया है क्योंकि यहाँ से नदी है ये देख सकते हो और वो बद्रीनाथ हाईवे है, तो काफ़ी बढ़िया यहाँ से दिखाई देता है। और मैं आपको बताऊँ दोस्तों तो यहाँ पर ठंडी ठंडी हवाएँ चलती है और यहाँ पर बैठ के मतलब आनंद जो है यहाँ पर बैठने का है काफ़ी बढ़िया है। तो उम्मीद करता हूँ ये ब्लॉग आपको अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि आप लोग ना ही लाइक कर रहे हो ना ही सब्सक्राइब कर रहे हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।